दोस्तों, कहा जाता है वक्त को ना करे बर्बाद, यह करता है जीवन आबाद। वक्त को ना करे बर्बाद, यह बनाता है जीवन आबाद। मारी गई है उसकी मति, जिसने ना जानी समय की गति। मारी गई है उसकी मति, जिसने ना जानी समय की गति। आदि काल से ऐलान है, आदि काल से ऐलान है, समय बड़ा बलवान है। आप जरूर सोचेंगे कि समय के बारे में मैंने इतने सारे स्लोगन्स आपको क्यों सुनाए। वजह ये है कि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के श्लोक। यह ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कब शुरू होता है, उसका महत्व क्या है, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। बचपन में यानी कि स्कूल के वक्त जब हम संस्कृत विषय का अध्ययन करते थे, तब संस्कृत पढ़ाई के दरमियान हम काफी श्लोक भी पढ़ते थे। यह श्लोक हमें पढ़ना बहुत आसान लगता था, उसका अर्थ तक काफी आसानी से समझ में आ जाता था और तो और पूरा याद भी रह जाता था। यह श्लोकों ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव दिखाया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे यह बात का जिक्र करूं कि आप भी इन संस्कृत श्लोकों का अध्ययन करें, पठन करें, समझे, सुने और ईश्वर की आराधना पूजा पाठ करते वक्त उसका प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग भी करें। यह संस्कृत श्लोक जो कि भगवान की पूजा पाठ आरती वगैरह वक्त पर किया जाता है, वो वक्त है ब्रह्म मुहूर्त। दिन के 24 घंटे रहते हैं, तो यह 24 घंटे के 30 मुहूर्त होते हैं, पर सूर्योदय के पूर्व प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उसमें पहला मुहूर्त जो है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय के पहले प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता
अपनी घड़ी के मुताबिक इसका समय है 4:24 से लेकर 5:12। यह समय इतना पवित्र समय है कि इस वक्त वायुमंडल बहुत निर्मल होता है। देवी देवता विचर रहे होते हैं। खास तौर पे इस वक्त प्राणवायु की मात्रा वातावरण में अधिक होती है, अधिक माने 41%, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समझा जाता है। इस समय मुख्य मंदिरों के पट खुल जाते हैं, ईश्वर की आरती, पूजा पाठ, आराधना शुरू हो जाती है। हमारे फेफड़ों की शुद्धि के लिए इसे बहुत अहम माना जाता है। कहना चाहती हूँ कि इस वक्त बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने ग्रंथों की रचना के लिए आसन लगा के बैठ जाते हैं। यह समय आध्यात्मिक रीति से अमृत तुल्य माना जाता है। अमृत तुल्य, इस समय बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, शक्ति बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर संचार करती है। तो हम आपको इतनी अहम बातें यदि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताते हैं तो अभी आप सोचेंगे कि हम आपको उस समय ईश्वर की आराधना के लिए जो श्लोक बताना चाहते हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों, किसी भी कार्य की शुरुआत हो, कोई भी बड़ा या छोटा, सर्वप्रथम हम गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश जी का मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक के पश्चात हम आपको बताएंगे एक श्लोक जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए है। यह श्लोक है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दोस्तों, इस श्लोक के पश्चात एक श्लोक है जो विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है और वो है माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती का यह श्लोक ऐसा है, ओम या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। यह श्लोक के बाद विद्यार्थियों के लिए एक गणेश जी का श्लोक है, बहुत आसान है। और इस श्लोक का प्रयोग मैंने भी अपने बेटे के लिए किया था पढ़ाई के लिए। तो वह श्लोक है, ओम एक दंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्व सिद्धि करो देव गौरी पुत्र विनायक। यह श्लोक की विद्यार्थियों को बहुत सारी मालाएं करना जरूरी है ताकि वो लोग अपने अव्वल नंबर पढ़ाई के लिए पा सके। ये श्लोक के पश्चात हम आपको बताएंगे एक माँ लक्ष्मी जी का छोटा सा श्लोक है। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इन सारे श्लोकों के बाद एक श्लोक है जो हर स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह हर घर घर में बोला जाता है, जिसमें हम ईश्वर को कहते हैं आप ही हमारे माता हो पिता हो बंधु हो मित्र हो वगैरह हो। तो वह श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रभुते स्वभावा करोमि अद्यं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ये सारे श्लोक हो गए। अभी हम जो आपको बताएंगे वो ऐसी बात है कि पूछिए मत। एक बार महात्मा नंद स्वामी अपने साथ एक पुस्तक लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो हमारे एक समय में राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास महात्मा नंद स्वामी पहुंचे और स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े पद पर हो, आपको कितनी सारी बातों का ख्याल करना होता है, निर्णय लेना होता है वगैरह वगैरह वगैरह, आपको यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। वो कौन सा पुस्तक था? वह पुस्तक था गायत्री महामंत्र। स्वामी महात्मा नंद उनके सामने देखते रहे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हंसने लगे। स्वामी जी ने उनसे पूछा आप क्यों हंस रहे हैं भाई, मैं तो बहुत सीरियसली आपको बता रहा हूं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र का जाप मेरे बाल्यकाल से ही कर रहा हूं और जिसके कारण मुझे परीक्षा में
कभी भी नीचे स्तर के मार्ग नहीं आए। मैं एक ही लेवल पकड़ा हुआ हूँ परीक्षाओं में, और आज इस आसन पर बैठा हूँ सिर्फ यही एक मंत्र की वजह से। वो मंत्र है, महामंत्र कहिए, गायत्री मंत्र। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, चाहे पॉलिटिक्स में हो या कोई और इंडस्ट्री के हो, इन सभी को या सभी ने, मैं सोचती हूँ कि यह मंत्र का जाप जरूर किया होगा। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक बार हम सुनाएंगे आपको, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।